हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है, ये पेपर है आपका हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन HPSC असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है ऑन 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। ठीक है, तो इस पेपर के बारे में हम बात करें तो इस पेपर के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इन टोटल, और हम इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर उन सभी 100 क्वेश्चंस के आंसर्स को करेंगे। ठीक है, यह है असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर का पेपर जो कि 7 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट के अंदर हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पर। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, चूजिंग ऑफ प्लांट्स टू बी ग्रोन इन अ पोल्यूटेड एरिया कैन बी डन बेस्ड ऑन द दिस कैन बी डन ऑन बेस्ड ऑन द APTI इंडेक्स, दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली एफिशिएंट इन कंट्रोलिंग एयर पोल्यूटेंट, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन। प्लांट कॉमनली कॉल्ड एज अ एयर प्यूरीफायर वो कहलाता है ऑप्शन नंबर ए इंडिका, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, इन इंडिया द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल वर इनेक्टेड इन द ईयर 2000, ऑप्शन डी यहां पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, द मोस्ट टॉक्सिक कंपोनेंट अराइजिंग आउट ऑफ द प्लास्टिक बर्निंग तो वो होता है आपका, दैट इज डायोक्सिन, ऑप्शन ए यहां पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, थर्मल डिग्रेडेशन वेस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज पायरोलाइसिस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवन, यूजफुल प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज, दैट इज मीथेन, ऑप्शन बी यहाँ पर होगा सेवन्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, ऑप्टिमम C/N रेशियो आइडियल फॉर इफेक्टिव कंपोस्टिंग इज 30:1, ऑप्शन ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर नाइन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, द एक्सपोनेंशियल फेज एंड द सेलुलर मेटाबॉलिक कंट्रोल सेट सिस्टम इज सेट टू बी अचीव्ड मैक्सिमम रेट ऑफ इवापोरेशन, सॉरी रिप्रोडक्शन नॉट इवापोरेशन। क्वेश्चन नंबर टेन, इन द सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ग्रोथ काइनेटिक्स, ये दी गई इक्वेशन आपको वैल्यू बतानी है बी की फॉर द मॉन्डल मॉडल के अनुसार, तो यहाँ पर टेंथ क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है इसलिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दे रहा हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर हम 11 पर आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। इसमें पूछा है, इफ स्टीम हैज़ 0.1 kg ऑफ वाटर एंड 0.9 kg ऑफ वेपर, द क्वालिटी ऑफ स्टीम इज, तो क्वालिटी ऑफ स्टीम क्या होगी यहाँ पर, वो होगी 90%। ओके, यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो ब्रिजमैन गॉज प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, मैकलियोड गॉज वैक्यूम मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, वाइब्रेशन विल नॉट इन्फ्लुएंस ह्यूमन एफिशिएंसी, ये गलत है आपका, तो ए एंड बी करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। प्रैक्टिकली एन एडल्ट कैन परसीव साउंड अबव 110 Hz, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, WBGT इसका फुल फॉर्म होता है वेट बल्ब ग्लोबल टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फ्रॉम हाउसेज वॉल्स बिल्डिंग्स द बायोगैस प्लांट शुड बी कंस्ट्रक्टेड एट लीस्ट स्पेसिंग, तो इसके लिए जो स्पेसिंग होगी वो कितनी होती है, वो होती है 2 meter की। ठीक है, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, 99% ऑफ द सन्स रेडिएशन इज ऑब्टेन्ड अप टू अ वेवलेंथ ऑफ 4 μm, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। वट इज द टेफ्रैक्शन टेम्परेचर, ये होता है 200 to 300 सेल्सियस, ऑप्शन ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, DA सोलर सेल्स ये क्या होते हैं, ये होते हैं डाई सेंसिटाइज्ड सोलर सेल्स कहलाते हैं ये, NISE लोकेटेड एट, ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये लोकेटेड है गुरुग्राम हरियाणा के अंदर, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, इस क्वेश्चन में भी मुझे थोड़ा डाउट है तो इस क्वेश्चन को भी मैं स्किप कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग यूलर्स इक्वेशन ऑफ
इग्नोर्स इक्वेशन ऑफ मोशन, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर 21 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर द कैटेगरी बी अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन। सो 22 का करेक्ट आंसर होगा रिन्यूएबल एनर्जी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। ISO 14001 डील्स विद द, ये किसके साथ डील करता है, ये डील करता है विद द स्पेसिफिकेशन फॉर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के साथ, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट रूल वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर, ये किस साल इम्प्लीमेंट होता है, ये होता है 2000 के अंदर, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, द मोस्ट रिकॉग्निजेबल EMS इन द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ये होगा आपका कौन सा, ये होगा आपका ISO 14001 विच बींग अप्लाइड विद सम रेगुलरिटीज इन मेनी कंट्रीज। असर्शन एंड रीजन की बात करें तो यहाँ पर असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 27, बाय द ईयर 2030 इंडिया गवर्नमेंट हैज़ अ न्यू टारगेट ऑफ सोलर पावर जनरेशन ऑफ 500 गीगावाट, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, एवरेज सरफेस एरिया ऑफ ह्यूमन, ओके एवरेज सरफेस एरिया ऑफ ह्यूमन इज अराउंड 2 meter square। इन द डिज़ाइन प्रोसेस ऑफ सस्टेनेबिलिटी विच स्टेज फोकसेस ऑन क्रिएटिंग अ स्केलेटन फॉर्म एंड अ सिस्टमैटिक ऑफ ऑफ द प्रोजेक्ट। सो 30 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सिस्टमैटिक डिज़ाइन, दैट इज ऑप्शन नंबर, स्कीमेटिक डिज़ाइन दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 की बात करें, बायो मिमिक्री मॉडल लुक्स इन टू अ नेचर एज अ लर्निंग रिसोर्सेस। 32 की बात करें यहाँ पर हम अगले क्वेश्चन की, सो क्वेश्चन नंबर 32 है, क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ एक्टिविटीज अंडर द ट्रांजिशनल मॉडल ऑफ डिज़ाइन। सो 32 की बात करें यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डिज़ाइन कॉन्सेप्ट डॉक्यूमेंटेशन स्पेसिफिकेशन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन एंड पोस्ट ऑक्युपेंसी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। कंबाइंड रिस्क एंड लैंड यूज अप्रोच ऑल्सो हेल्प टू मॉडरेट द चैलेंजेस ऑफ हाउ टू क्लीन इज क्लीन इन द एनवायरमेंटल क्लीन अप। सो 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, सो डैश दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्स एंड कंपनसेशन एंड लाइबिलिटी एक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द सुपर फंड क्लीन अप प्रोसेस इन द यूनाइटेड स्टेट, दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, अ मिक्सड इंटीग्रेशन इंटीजर प्रोग्राम प्रॉब्लम इज वन इन विच वैल्यू ऑफ द सम बेसिक वेरिएबल्स आर इंटीजर्स एंड सम आर नॉट इंटीजर्स। इन द ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड ऑफ OR फर्स्ट इज आइडेंटिफाइड एज अ की रो एंड देन द कॉलम। एंड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इज सेट टू बी लीनियर प्रोग्राम इफ बोथ द ऑब्जेक्टिव एंड कॉन्स्टेंट्स आर इन लीनियर फंक्शन, ऑप्शन सी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, मार्कोवियन क्वीनिंग मॉडल फॉलोज, इट फॉलोज द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन फ्लूइड फ्लो हीट फ्लो इज यूज्ड इन द मॉडल ऑफ 39 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा प्रोसेसिंग एनालॉग, ऑप्शन सी। CPM, ओके CPM इज यूज्ड टू कंट्रोल कॉस्ट एंड टाइमिंग, फर्स्ट करेक्ट है। पर्ट इज मस्ट फॉर कंट्रोलिंग टाइम व्हेन प्लानिंग, दैट इज ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। एक सेकेंड आपसे पूछा गया, नहीं दोनों करेक्ट, एक सेकेंड, यहाँ पर जो 40 नंबर क्वेश्चन है तो दोनों नहीं, कॉस्ट एंड टाइमिंग के लिए नहीं होता ये आपका, दोनों गलत होंगे, दैट मीन्स ऑप्शन ए तो करेक्ट होगा, ये दोनों गलत है यहाँ पे, ठीक है। द सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम विद m रोज एंड n कॉलम्स इज फिजिबल इफ द नंबर ऑफ पॉसिबल अलोकेशंस आर m+n-1, ऑप्शन सी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, सो द टाइप ऑफ माइनिंग वेर इन बुलडोजर्स आर यूज टू एक्सट्रैक्ट माइनिंग इज कॉल्ड एज,
42 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरफेस माइनिंग। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। द प्रोसेस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड, सेमी एरिड एंड सब ह्यूमिड एरियाज ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग क्लाइमेट वेरिएशन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड एज। सो दिस इज कॉल्ड एज द डेजर्टिफिकेशन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्राउट लीड टू फेमाइन। सो 44 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, एग्रीकल्चर। एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम हाई टेम्परेचर एग्जिस्टिंग विद इन द सरफेस अर्थ सरफेस इज नोन एज। सो 45 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा जियो थर्मल एनर्जी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट विंड फार्म इन इंडिया। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दैट इज इन तमिलनाडु। ऑप्शन बी, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल दैट इज एंथ्रासाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ नेटिव स्पीसीज। इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज सेलिब्रेटेड इन द ईयर 2010। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 49 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 50। अ सेट ऑफ प्रिंसिपल विच प्रोवाइड गाइडेंस ऑन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्प्लाइज बाय द दैट इज 50th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा UNECE कन्वेंशन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51। UNECE कन्वेंशन ऑन EIA ट्रांसबाउंड्री कंटेक्स्ट इन द फर्स्ट मल्टीलेटरल EIA ट्रीटी। अकॉर्डिंग टू द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2011, रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट शुड बी डन अकॉर्डिंग टू। सो इट विल बी डन अकॉर्डिंग टू द IS कोड 1453 1998। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा आपका। 53 की बात करें यहाँ पर हम, तो चूज द अरेंजमेंट कन्वेंशन और प्रोटोकॉल विच इज लीगली बाइंडिंग द सिग्नेटरी कंट्रीज। सो 53 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इको लेबलिंग इज गवर्न बाय द ISO 14000। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 54 का। 55 की बात करते हैं यहाँ पर हम, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 नंबर क्वेश्चन के अंदर। 56 की बात करते हैं। सो रिड्यूस्ड डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ अ बॉडी ऑफ वाटर इज नोन एज द हाइपोक्सिया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज। सो वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है, है ना। तो यहाँ पर हम बात करेंगे डेंगू इज नॉट अ वाटर बॉर्न डिजीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनऑर्गेनिक सॉइल पॉल्यूटेंट। तो ऑप्शन सी होगा इंडो सल्फान। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 59, द लिमिटिंग फैक्टर इन यूट्रिफिकेशन इज दैट इज फॉस्फेट। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60। विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज कंसिडर्ड टू एक्यूमुलेट इन बोन्स कॉजिंग बोन कैंसर दैट इज स्ट्रॉन्शियम 90। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 60 नंबर क्वेश्चन। 61 की बात करते हैं। परमिसिबल लिमिट ऑफ TDS इन वेस्ट वाटर फॉर इरीगेशन पर्पज। सो ये आपकी 2100 होगी, 2100 mg/L। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। द डस्ट पार्टिकल्स ड्यू टू द इनर्शिया टेंड्स टू सेटल ऑन द सर्फेस ऑफ द साइक्लोन वॉल अकर्स इन दैट इज अकर्स इन द साइक्लोन। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, 62 नंबर क्वेश्चन। 63 की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल हाइपर एक्यूमुलेटर। सो ये होता है आपका मैरीगोल्ड। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64। द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ अ टेक्निक इन रिड्यूसिंग द मोबिलिटी एंड टॉक्सिसिटी ऑफ वेस्ट इज कॉल्ड एज द। सो ये दैट इज कॉल्ड एज अ क्राइटेरिया फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। द ग्रीन एनर्जी द ग्रीन क्लाइमेट फंड रिसेंटली सेटअप टू हेल्प पुअर कंट्रीज अडेप्ट टू क्लाइमेट इम्पैक्ट इन्वाइसिस फाइनेंशियल सपोर्ट टू एक्सटेंट ऑफ अ डॉलर पर ईयर दैट इज ऑफ $100 billion। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। द फर्स्ट लेवल ऑफ सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इज येल्लो बेल्ट सर्टिफिकेशन। ऑप्शन नंबर सी होगा 66 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। ISO 9000:2050 डील्स विद द, तो ये डील करता है विद द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड फंडामेंटल एंड वोकेबलरीज के साथ में, ठीक है। फोर सिलेंडर इंजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिलायबिलिटी पैरेलल सिस्टम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। डिजिटल एलिवेशन मॉडल इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड यूजिंग, सो बाई यूजिंग द रास्टर डाटा मॉडल। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें। इकोनॉमिक
order quantity is obtained by, so this is obtained by minimizing the total inventory cost. ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 71, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ओके 71 में ऑरिफिस इज अ चीपर कंपेयर टू द वेंचुरी मीटर, ये करेक्ट है आपका. पी डॉट इज अ वेलोसिटी मेजरमेंट कंपोनेंट, ये भी करेक्ट है. तो ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर. व्हेन नो एक्सटर्नल टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू रोटेट द फ्लूइड मास, दैट टाइप ऑफ फ्लो इज कॉल्ड एज द, सो दैट टाइप ऑफ फ्लो इज कॉल्ड एज अ वॉर्टेक्स फ्लो. एन ऑब्जेक्ट राइजेस अप व्हेन लिफ्ट इज ग्रेटर देन वेट. ठीक है, 74, ओके 74 की बात करते हैं हम यहाँ पे. हाइड्रोलिक जंप कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी टू फ्लूड प्रेशर, ये करेक्ट है आपका. पॉन्डेज इज नॉट काइंड ऑफ स्टोरेज, ये गलत है आपका. ठीक है, तो सेकंड गलत है. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर. एन एंजाइम कंटेनिंग अ नॉन प्रोटीन ग्रुप इज कॉल्ड अ कोफैक्टर. ओके, अबाउट 20-30% ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कार्बन एंड एनर्जी सोर्स इज कन्वर्टेड टू बायोलॉजिकल ड्यूरिंग अबायोटिक मैकेनिज्म. 76 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 77. ये एक फॉर्मूला है, रिलेशन है, ये रिलेशन है आपका दैट इज लीनवियर बर्ग प्लॉट का. ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर इज इन्वर्टेड इन द पॉन्ड इकोसिस्टम. ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लोटिक इकोसिस्टम. सो ये लोटिक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल होती है रिवर. विच मैराइन इकोसिस्टम आर मोस्ट प्रोडक्टिव, सो मोस्ट प्रोडक्टिव होती है आपकी यहाँ पर कोरल रीफ्स. इंडिया रैंक सेकेंड इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन 2023. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया विद फॉरेस्ट कवर इन इंडिया. सो यहाँ पर आपका होगा मध्य प्रदेश. ठीक है, ऑप्शन डी. 82 के बाद हम बात करते हैं 83 नंबर क्वेश्चन की. ब्रॉडली फॉरेस्ट बिलोंग्स टू, ठीक है, सो ये बिलोंग करती है टेम्परेट फॉरेस्ट के साथ में. टाइप ऑफ फॉरेस्ट सीन अबव 3000 मीटर एलिवेशन आर टर्म्ड एज, सो दिस आर टर्म्ड एज अ सब अल्पाइन फॉरेस्ट. नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इज ड्राफ्ट इन द ईयर, सो दिस इज ड्राफ्टेड इन द ईयर ऑफ 2018. ऑप्शन सी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 86. सो लैंड फिल दैट एम्प्लॉय माइक्रोबियल प्रोसेस टू एक्सेलरेट डिकम्पोजिशन प्रोसेस, सो दिस इज अंडर द बायो रिएक्टर लैंडफिल्स. ड्रॉइंग रिवर वैली एस्चुरी इज फॉर्म्ड व्हेन, सो इट इज फॉर्म्ड व्हेन द सी लेवल रोजेस एट द एंड ऑफ द लास्ट ग्लेशियर एज इन्वेडिंग लो लैंड एंड रिवर्स. नमामि गंगे प्रोजेक्ट ये कब शुरू हुआ था, 2014 के अंदर शुरू हुआ था. ठीक है, 88 का ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर. 89 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं. तो विच स्टेट इन इंडिया इज पाइनियर इन मेकिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग एज अ कंपल्सरी मेजर इन टाउन्स टू अवॉइड ग्राउंड वाटर डिप्लीशन. सो ये होगा आपका कहाँ पर, दैट इज इन तमिलनाडु. ग्राउंड वाटर मूवमेंट डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज पोरोसिटी परमेबिलिटी स्पेसिफिक यील्ड एंड रिटेंशन कैपेसिटी. दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. सोलर कॉन्स्टेंट वैल्यूज वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये क्या होगी, ये होगी आपकी ओल्ड. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा. क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें तो 92 के अंदर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, सेकेंड आपकी ट्रू है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ. सो यहाँ पर आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सीटू कंजर्वेशन. ठीक है, सो ये होगा बायोस्फीयर रिजर्व. ठीक है, नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी हैं, 573 हैं भारत के अंदर. ठीक है, एंड जोन विच हैज नो ह्यूमन रिसाइड इन द पार्क, वो कौन सा जोन बेसिकली कहलाता है. सो ये जोन होता है आपका, दैट इज बफर जोन. ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 95 के बाद 96. फर्स्ट नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है. ओनली मैराइन बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया कौन सा है. सो दिस इज 97 नंबर क्वेश्चन, दैट इज गल्फ ऑफ मन्नार. हाउ मेनी हॉटस्पॉट कितने हैं देश के अंदर, 4 हैं. ठीक है, ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. ओके, लास्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है. अ सब्सटेंस विच डज नॉट अकर इन नेचर बट इज इंट्रोड्यूस्ड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज इन टू द एनवायरमेंट अफेक्टिंग इट्स कंपोजिशन इज कॉल्ड एज द, सो दिस इज कॉल्ड एज अ पॉल्यूटेंट. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा. एंड यहाँ पर होगा हाइपर टेंशन.
ठीक है, हाइपर टेंशन इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन एंड कॉज ऑफ एलिवेटेड ब्लड लेवल ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये था हमारा पेपर बेसिकली किसका, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि हुआ है असिस्टेंट इन्वायरमेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए 2024 के अंदर ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। ऑन 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। ठीक है, एंड इस पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है भाई वीडियो, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर जो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।